हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। अब एक बात इमेजिन करो, आपके स्कूल के लंच की घंटी बजी और जैसे ही आप अपना डब्बा खोलते हो, वैसे ही टेबल में पड़े डब्बे में आपको 8 पैरों वाला जिंदा ऑक्टोपस दिखाई देता है, तो आप क्या करोगे? उल्टी। वेल, यही चीज दुनिया के कोने में स्कूल के बच्चे बड़े ही मजे से चाट चाट के खाते हैं। पर स्कूल की गुत्थी सुलझाने से पहले मुझे ये बताओ कि आपके स्कूल में रिसेस कितना लंबा होता है? आधा घंटा? 45 मिनट? Well, आपके जले पर नमक छिड़कने के लिए फ्रांस के स्कूल्स अपने बच्चों को पूरा 2 घंटे का ब्रेक देते हैं। जी हाँ, पर आखिर इतने लंबे ब्रेक में एग्जैक्टली चलता क्या है? लेकिन एक तरफ है ये स्कूल्स जो एटलीस्ट अपने बच्चों का पेट तो भरते हैं, पर वहीं जापान के स्कूल में इन नन्हे मुन्ने बच्चों को खाना देने के बजाय उनसे ऐसे खाना परोसने से लेकर लोगों का झूठा थाल उठाने तक का काम कराया जाता है। लेकिन क्यों? क्या वहाँ लोगों की कमी है या सीन कुछ और ही है? वेल, ये सब हम जानेंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल स्कूल लंचेस यू प्रोबेबली नेवर हर्ड ऑफ। नंबर 1, जापान। और जैसा मैंने आपको बताया, जापान के स्कूल में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से कैफेटेरिया का काम कराया जाता है। अरे अरे रुको, इससे पहले तुम जापानीज स्कूल पर चाइल्ड लेबर का अपराध लगा दो, लेट मी टेल यू, ये पूरा सिस्टम बच्चों के भले के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ऐसा है ना कि पहले तो जापान के स्कूल में जब तक बच्चा हाई स्कूल में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे झक मार के स्कूल का खाना ही खाना पड़ता है, जिसमें एक पूरा जापानीज 56 भोग विद राइस, फिश, सूप, वेजीज और दूध के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, ये खाना सर्व क्लास के बच्चे खुद ही करते हैं, वो भी एकदम प्रॉपरली, हेयरनेट्स, एप्रॉन्स, ग्लव्स और फेस मास्क पहनकर। पर सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, बल्कि ये सिस्टम हाई स्कूल तक चलता है। और ये सब करने के पीछे का कारण है कि जापान के स्कूल्स को अपने बच्चों को टीम वर्क, सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीजें सिखानी है, इसलिए वो लोग इस नायाब टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पर इनका ये मजेदार तरीका यही नहीं रुकता, बल्कि जापानीज स्कूल लंच के द्वारा अपने बच्चों को डाइट और न्यूट्रिशन का भी पाठ पढ़ाते हैं। यानी हर दिन बच्चे जो भी खाना खा रहे हैं, वो खाना कहाँ से आया, कैसे पकाया गया, वो हमारे बॉडी के लिए क्यों अच्छा है, और ऐसी ही कई चीजें उन्हें पढ़ाई जाती हैं। और वो लोग इस क्लास को शोकुइकु बुलाते हैं, जिससे उनको काफी फायदा भी हुआ है, क्योंकि उसी की बदौलत आज सब डेवलप्ड नेशन में से जापान ही ऐसा देश है जिनकी पब्लिक में सबसे कम मोटे लोग दिखाई देते हैं और जिसका डायरेक्ट श्रेय स्कूल में सिखाए जाने वाले शोकुइकु को जाता है। नंबर 2, अमेरिका। क्या आपको भी फ्री खाना चाहिए? तो पहुंच जाओ अमेरिका, क्योंकि पिछले 76 सालों से यूएसए अपने नेशनल स्कूल लंच प्रोग्राम यानी NSLP के जरिए स्कूल्स में कम में या फुल टू फ्री में खाना दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों के ट्रे में आपको एक वेल बैलेंस्ड मील दिखाई देगा, जहां अक्सर प्रोटीन के लिए चिकन या हैम परोसा जाता है, जिसके साथ फाइबर्स और कैल्शियम के लिए साइड में सब्जियां, बीन्स या सैलड भी दिख जाएगा। और ये सब पौष्टिक चीजों के साथ कुछ पीने के लिए दूध या जूस का पैकेट भी दिया जाता है, जिसके बाद बच्चों के लंच को एक मीठा एंड देने के लिए अक्सर कोई फ्रूट या गर्मा गर्म ब्राउनी सर्व की जाती है। लेकिन एक मिनट, ये मत समझना कि ऐसे हेल्दी ऑप्शंस वहाँ के हर एक स्कूल का हाल है, ना ना ना, बल्कि सीन तो पूरा उल्टा ही है, क्योंकि अमेरिका के कई स्कूल्स में हेल्दी से ज्यादा डीप फ्राइड और फास्ट फूड ज्यादा देखने को मिलता है। और कैफेटेरिया में अगर हेल्दी खाना मिल भी जाता है, तो बच्चे अक्सर स्कूल के वेंडिंग मशीन से स्नैक्स वगैरह खरीद कर अपना पेट भर लेते हैं, जिसके चलते स्टेट ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में आज भी 10 से 17 बच्चों में 16.2% बच्चे ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार बने हैं। तभी तो इस बढ़ती क्राइसिस को खत्म करने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट ने जंक फूड सर्व करने वाली वेंडिंग मशीन्स को रिप्लेस करके उसके हेल्दियर काउंटर पार्ट को इंक्लूड करने का प्लान आगे रखा था, जिसको कई स्कूल्स में इम्प्लीमेंट तो किया गया था, पर पूरे देश के स्कूल्स को 100% हेल्दी बनाने की कसर आज भी जारी है। नंबर 3, इटली। वैसे तो इटली अपने फेमस पिज्जा के लिए जाना जाता है, लेकिन शॉकिंगली इटालियन स्कूल्स के कैंटीन में आपको पिज्जा का क्रस्ट भी नजर नहीं आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट रूल के मुताबिक इटालियन स्कूल्स में कुछ भी फ्राइड सर्व करना फुल ऑन मना है, यानी नो फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चिकन नगेट्स, कुछ भी नहीं। तो ये लोग खाते क्या हैं? वेल, इनके स्कूल के कैफेटेरिया में आपको फुल ऑन नवाबों वाला फील आएगा, क्योंकि इनके यहाँ स्कूल लंच के नाम पे 3-course meal सर्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले प्लेट में स्टार्च से भरा डिश जैसे राइस, पास्ता या सूप सर्व किया जाता है। उसके बाद मेन कोर्स में मीट, फिश, एग और चीज के साथ बनाए डिश प्लेट में मिल जाते हैं। इन सब के साथ शरीर में विटामिन्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए प्लेट में भर भर के सब्जियां और फल सर्व करना तो भूल ही नहीं सकते। और ऐसे एंड होता है उनका लंच ब्रेक, जिसके बाद जैसे ही शाम होने लगती है, तब इनको स्नैक्स के तौर पर कोई फ्रूट सर्व किया जाता है। लेकिन इनके यहाँ बच्चों को सिर्फ स्कूल के खाने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि अगर बच्चा चाहे तो ब्रेक में अपने घर जाके मस्त
मस्त पेट पूजा भी कर सकता है और किसी किसी स्कूल में बच्चों को अपना टिफिन लाने की इजाजत भी दी जाती है। यानी देखा जाए तो इटालियंस का फंडा सिंपल है, खाना है तो खाओ वरना अपना जुगाड़ लगाओ। नंबर 4, साउथ कोरिया। अब आपको हैप्पी मील पाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साउथ कोरिया के स्कूल्स आपको फ्री में पेट भर के खाना देंगे और वो भी एकदम गर्मा गर्म। अब क्या है ना, साउथ कोरिया में स्कूल के बच्चों को अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। बेचारे लोग सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक स्कूल में घिसते हैं, फिर वहाँ से दुनिया भर के क्लासेस, क्लब्स और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन बच्चों को घर पहुंचने में आराम से रात के 10-11 बज जाते हैं। इसीलिए साउथ कोरिया बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ध्यान में रखकर वहाँ के स्कूल्स में लंच टाइम को काफी इम्पोर्टेंस देता है। तभी तो वहाँ के लगभग सब स्कूल्स में लंच का एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे ही रिसेस का बेल बजता है वैसे ही बच्चे अपनी स्टील की ट्रे पकड़कर कैंटीन में लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद एक एक कर ट्रे के छोटे बॉल्स में कैंटीन वाली आंटी बंचान या साइड डिशेस जैसे कि किमची, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, बीन स्प्राउट, फ्रूट्स या सैलेड परोसती हैं। अब सिर्फ साइड डिशेस से एक बढ़ते बच्चे का पेट कैसे भरेगा, है ना? इसीलिए एक एशियन कंट्री होने के नाते ये लोग बिना भूले प्लेट भर के स्टिकी राइस और साथ में प्रोटीन के लिए चिकन, फिश, एग, टोफू या इन लोगों का फेवरेट 8 पैरों वाला ऑक्टोपस का तीखा सूप सर्व करते हैं। और ये पूरे सिस्टम को अच्छे से जारी रखने के लिए अकेले सियोल की गवर्नमेंट ने 2018 में अपने स्कूल सिस्टम के लिए अलग से 4,400 करोड़ का बजट सेट किया था। नंबर 5, फ्रांस। हमारे यहाँ तो स्कूल में रिसेस मुश्किल से आधा घंटे का होता है, लेकिन फ्रांस के स्कूल बड़े दिलदार हैं। तभी तो ये लोग अपने बच्चों को पूरे 2 घंटे का ब्रेक देते हैं। और दें भी क्यों ना, क्योंकि खाने पीने के मामले में जो देश दुनिया का गैस्ट्रोनॉमिक कैपिटल माना जाता है, उसके स्कूल ब्रेक्स भी तो उस लेवल पर होंगे ना। तभी तो वहाँ के स्कूल में बच्चों को किसी रेस्टोरेंट की तरह फर्स्ट कोर्स, फिर मेन कोर्स और लास्ट में डेजर्ट सर्व किया जाता है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट कोर्स में बच्चों के प्लेट में आपको लेंटिल्स या सब्जियों से बना सैलड दिखेगा जो भरपूर सब्जियों और मीट से भरे मेन कोर्स के साथ फॉलो किया जाएगा। पर हफ्ते में एक बार इन्हीं मीट्स वेजिटेरियन ऑप्शन में चेंज हो जाता है। अब क्योंकि फ्रेंच पब्लिक ब्रेड और चीज के बिना सांस भी नहीं ले सकती, इसलिए मेन कोर्स में फ्रेश ब्रेड और चीज भी ऐड किया जाता है। और ये मस्त वाले भरपेट भोजन को एंड करने के लिए डेजर्ट में अक्सर फ्रूट्स या कोई फ्रेंच डेजर्ट दिया जाता है। लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट सिर्फ रेस्टोरेंट वाले फील पर ही नहीं रुकती, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों के हेल्थ पर भी फोकस किया है। तभी तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने स्कूल्स में 50% खाना ऑर्गेनिक सोर्सेज से सर्व करने का कंपल्शन कर दिया है, जिसके चलते आज की तारीख में 80% से भी ज्यादा फ्रेंच स्कूल इस सिस्टम को पूरे तरीके से अपना चुके हैं। अब इन स्कूल्स के लाजवाब लंच टाइम को देखकर ये मत समझना कि इंडिया किसी से कम है, ना ना, खाने पीने के मामले में तो हम भी बड़े चंटे हैं। तभी तो स्कूल में बच्चों के अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए और इसी से इंडिया की लिटरेसी रेट को बूस्ट देने के लिए तमिलनाडु के सीएम के कामराज ने द स्कूल लंच प्रोग्राम या मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया था, जिसका काम गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ रहे बच्चों को दोपहर का लंच प्रोवाइड करना था। और ये प्रोग्राम कुछ इस कदर काम कर गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 2002 में देश भर के गवर्नमेंट स्कूल्स में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसके चलते 2021 में इस प्रोग्राम ने कुल 11,20,000 स्कूल्स में कुल 11,80,00,000 बच्चों को हर दिन गर्मा गर्म खाना प्रोवाइड किया था। पर आपको क्या लगता है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए सिर्फ मिड डे मील की स्कीम ही काफी है, या सरकार को इस स्कीम के अलावा हमारे देश के लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए कुछ और चीजों पर काम करना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट में अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हमारी मुलाकात होगी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।